आज हम जिस तथ्य पर बात करेंगे यह जानकर हर कोई हैरान होगा कि दुनिया में एक ऐसा भी गांव है जहां पर मर्दों की एंट्री पर बैन है, यानी उनके लिए वहां कोई जगह नहीं है। यह गांव अफ्रीका कॉन्टिनेंट के केन्या के समबुरु इलाके का उमेजा गांव है। यह गांव कांटों की बाढ़ से घिरा हुआ है। यह बेहद अनूठा गाँव है क्योंकि यहां केवल महिलाएं रहती है। अफ्रीका में सिंगल सेक्स समुदाय वाला यह इकलौता गांव है जहां पुरुषों के रहने पर पाबंदी है। पिछले 26 वर्षों से यहां केवल महिलाएं ही रहती आ रही हैं। यहां की एक सेविका हुआ करती थी रेबेका लॉलोसी ने 1900 में इस गांव को 14 ऐसी महिलाओं के रहने के लिए चुना था जिनके साथ स्थानीय ब्रिटिश जवानों ने बलात्कार किया था। इसके बाद यह गांव पुरुष प्रधान समाज में हिंसा का शिकार हुई औरतों के रहने का ठिकाना बन गया। इसके बाद बलात्कार, बाल विवाह, घरेलू हिंसा और अन्य शोषणों से दुखी व त्रस्त औरतें ही यहां रह रही हैं। इस गांव में वर्तमान समय में 250 से ऊपर महिलाएं और बच्चे रह रहे हैं। इस गांव की औरतें घरेलू हिंसा और घर में उनकी आश्रितों वाली स्थिति के खिलाफ है। और यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ की महिलाएं गांव में प्राथमिक पाठशाला, सांस्कृतिक केंद्र तथा समबुरु राष्ट्रीय उद्यान देखने आने वाले पर्यटकों के लिए कैंपिंग साइट भी चला रही हैं। वे कमाई के लिए इनके पारंपरिक आभूषण बना भी लेती हैं और बना के बेचती हैं। गाँव की महिलाओं और इन संस्थाओं से नियमित आमदनी होती है जिससे उनके कपड़े, भोजन तथा रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं। गाँव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं और महिलाओं को भी पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है। और इस गांव के अपने नियम हैं जिन्हें पूरा करना अति आवश्यक है। महिलाओं को पारंपरिक परिधान और आभूषण पहनना आवश्यक है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।